क्लास 9th, एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 4th. क्वेश्चन 3rd तक तो हम कर चुके थे हमारी पहले वाली वीडियो में. क्वेश्चन 3rd में आपको ये फिगर दे रखा है कि ए ओ बी एक लाइन है और इस तरीके से दो लाइन्स हैं जो कि यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं. तो आपको बोला है कि एक्स प्लस वाई इक्वल है डब्ल्यू प्लस जेड के. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. प्रूफ करने के लिए बोला है ए ओ बी इज़ अ लाइन, ये लाइन है, ये प्रूफ कीजिए. तो अब आपका टू प्रूफ स्टार्ट होगा. आप क्या करेंगे, ये पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है 360 डिग्री का, तो आप चारों एंगल्स का सम यहाँ पे लिखेंगे W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री. अगर ये 360 डिग्री के बन रहे हैं तो अब देखिए आपने, मैंने यहाँ पे क्या किया, इनको पेयर कर लिया, x प्लस वाई एक साथ लिख दिया और W, तो अब यहाँ पे x प्लस वाई को एक साथ और W प्लस जेड की जगह भी मैंने अगेन लिख दिया x प्लस वाई, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि x प्लस वाई W प्लस जेड के इक्वल है. तो अब देखिए 2 टाइम्स x हो गया, 2 टाइम्स y हो गया, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 360, 2 द डिवाइड में चला जाएगा तो x प्लस वाई आ गया 180 के इक्वल. लेकिन x प्लस वाई 180 के इक्वल तभी हो सकता है जब ये लीनियर पेयर बनाए, क्योंकि एक साथ एडजेसेंट एंगल्स हैं तो ये लीनियर पेयर बनाएंगे और लीनियर पेयर बनाकर अगर इनका सम 180 आ रहा है सो इट मीन्स कि ए ओ बी क्या है, लाइन है. तो आप लिख सकते हैं हैंस ए ओ बी इज अ लाइन. नो क्वेश्चन नंबर 5th. क्वेश्चन 5th में ये फिगर दे रखा है, पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, ओ आर उसके ऊपर परपेंडिकुलर बना रहा है और एक लाइन है जो कि पी ओ आर एंगल को कट कर रही है, दैट इज ओ एस लाइन. तो आपको दे रखा है कि ओ आर परपेंडिकुलर है. प्रूव करना है कि आर ओ एस इक्वल है हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, इसके हाफ के इक्वल है. तो देखिए अब आप कैसे करेंगे, प्रूफ आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. क्यू ओ एस जो आपका ये एंगल है पी ओ एस, हमने लिखा पी ओ एस प्लस आर ओ एस 90 डिग्री, ये 90 का है तो लीनियर पेयर होने की वजह से ये भी कंप्लीट 90 का होगा. तो मैंने वही लिखा यहाँ पे पी ओ एस प्लस आर ओ एस, मतलब ये दोनों एंगल्स मिलके कितने का बना रहे हैं, 90 डिग्री का सम है इन दोनों का. तो अब आर ओ एस को तो एक साइड लिख दिया, पी ओ एस उधर जाके माइनस हो गया फर्स्ट इक्वेशन. नाउ जो आपका नेक्स्ट एंगल है क्यू ओ आर, ये अकेला 90 का है तो यहाँ पे लिख दिया कि क्यू ओ आर अलोन जो है वो 90 डिग्री है, क्वेश्चन में गिवन है. अब क्यू ओ आर को ओपन अप कर लिया, क्यू ओ आर को ओपन अप करके क्या लिखा है, जो ये क्यू ओ आर एंगल है ये कैसे बनेगा, क्यू ओ एस में से आर ओ एस माइनस किया जाए तो ये वाला एंगल बच रहा है, इस कंप्लीट एंगल में से ये एंगल माइनस कर दिया हमने तो ये बच रहा है हमारे पास आर क्यू ओ आर. तो मैंने क्यू ओ आर की जगह लिख दिया कि मैंने क्यू ओ एस में से आर ओ एस माइनस कर दिया, अगेन 90 के इक्वल. अब आर ओ एस हमें एक ही साइड चाहिए जैसे हमने ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में भी लिया, तो आर ओ एस को एक तरफ ले जाएँ तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी आर ओ एस इक्वल्स टू क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन. अब आप अपनी दोनों इक्वेशंस को ऐड अप करेंगे, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में आर ओ एस है तो आर ओ एस प्लस आर ओ एस, सेकेंड में 90 डिग्री माइनस पी ओ एस प्लस क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन से लिया, ये सेकेंड से लिया. 90 प्लस का 90 माइनस का कैंसिल हो गया, क्यू ओ एस आगे आ जाएगा प्लस का, पी ओ एस पीछे माइनस का. यहाँ पे आर ओ एस दो बार है तो आगे टू आ जाएगा ट्वाइस, अभी जो टू इधर मल्टीप्लाई में वो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यही आपको चाहिए था. तो हैंस आपका प्रूव्ड हो गया आपका क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6th. क्वेश्चन 6th में आपको फिगर नहीं दे रखा है, फिगर आपको खुद से बनाना है. आप समझिए कि फिगर कैसे बनेगा. आपको बोला है यहाँ पे कि इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई जेड इज़ अ 64 डिग्री एंगल. तो मैंने यहाँ पे बना दिया कि एक्स वाई जेड एक 64 डिग्री का एंगल है. नाउ एक्स वाई लाइन को प्रोड्यूस किया पी तक, तो ये जो एक्स वाई लाइन थी इसको आगे तक स्ट्रेट लाइन को प्रोड्यूस कर दिया मैंने पी तक. अब आगे उन्होंने बोला ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन इफ रे वाई के ओ बाइसेक्ट जेड वाई पी. अब देखिए ऑब्वियस ये एंगल बनेगा आपके पास जेड वाई पी का, क्योंकि एक्स वाई जेड पहले से था और पी तक प्रोड्यूस किया हमने, तो जेड वाई पी के एंगल को एक लाइन है वाई क्यू, मतलब वाई से एक पॉइंट जाएगा आगे तक, क्यू तक एक लाइन जाएगी जो कि जेड वाई पी एंगल को बाइसेक्ट करिए, मतलब ये इतना एंगल इस एंगल के इक्वल है. तो देखिए आपको गिवन क्या कुछ है कि एक्स वाई जेड 64 डिग्री का एंगल है और वाई क्यू बाइसेक्ट करिए जेड वाई पी को, तो क्यू वाई पी और क्यू वाई जेड, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ये भी गिवन है. प्रूफ आपको क्या करना है, आपको एक्स वाई क्यू एंगल निकालना है, एक्स वाई क्यू ये कंप्लीट एंगल, और साथ में आपको निकालना है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, क्यू वाई पी इस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है. तो आप देखिए क्या करेंगे, पहले तो हम निकालना है, तो आप देखिए क्या करेंगे, पहले तो हमने लिखा कि एक्स वाई जेड और जेड वाई पी 180 डिग्री के हैं, मतलब ये पूरे एंगल 180 का बना रही है, तो 64 और ये पूरा एंगल ले लिया मैंने जेड वाई पी, ये कितने का बना रहा है 180 डिग्री लीनियर पेयर. तो अब ये जो जेड वाई पी एंगल है ना, इसको तो मैंने ब्रेक डाउन कर दिया दो एंगल्स में, जेड वाई क्यू एंड पी वाई क्यू, इन दोनों में, और इसकी वैल्यू यहाँ मैंने यहाँ पे पुट कर दी 64 डिग्री. ये देखिए ये हो गया वैल्यू पुट. अब जो जेड वाई क्यू था उसकी जगह पे मैंने लिख दिया क्यू वाई पी, क्योंकि वाई क्यू बाइसेक कर रही थी तो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल थे. तो
तो यहाँ पे क्यू वाई पी दो बार ही आ गया और 64 उधर जाके माइनस हो गया, ये ट्वाइस हो जाएगा। इसके ट्वाइस होने पर अब यहाँ पे माइनस करके आ गया 116, टू उधर डिवाइड में जाएगा, टू डिवाइड में गया तो क्यू वाई पी की वैल्यू आ जाती है 116 से डिवाइड करके 58। अब देखिए आपको निकालना था एक तो एक्स वाई क्यू, अब एक्स वाई क्यू जो एंगल है उसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक एक्स वाई जेड आएगा एक जेड वाई क्यू आएगा। तो एक्स वाई जेड तो हमें ऑलरेडी 64 दे रखा है और जेड वाई क्यू इक्वल है एक्स वाई पी के, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जेड वाई क्यू भी साथ में, तो ये भी 58 हो गया। 64 प्लस 58 आ जाता है आपका 122। अब आपको निकालना है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स एंगल निकालने का तरीका मैंने आपको पहले भी ये चीज़ हमने की हुई है, अपन ने किया था कि 360 डिग्री में से हम माइनस करेंगे, इसी एक्सरसाइज की फर्स्ट क्वेश्चन में था रिफ्लेक्स, तब मैंने आपको बताया था कि किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना तो वही एंगल निकालिए और उसको 360 में से माइनस कीजिए। तो ये एंगल तो है ही हमारे पास, तो 360 में से हमने इस एंगल को माइनस कर दिया, तो जो आपके पास आंसर आया दैट इज़ रिफ्लेक्स। तो ये 302 इज़ रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। थैंक यू स्टूडेंट्स।